ये फाइनल टर्म की लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे ईटीयू 403 के फाइनल टर्म के लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई है लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चन की। ज़्यादातर पास पेपर जो इजिली अवेलेबल है वो काफ़ी पुराने हैं और इस चैनल के ऊपर फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन की सीरीज अपलोड की जा रही है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि क्यूबिज्म वाज इन्वेंटेड बाय होम, यानी कि किसने इन्वेंट किया था क्यूबिज्म को, इस बारे में बताना था। इसके अलावा ये कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट, इवोल्यूशन ऑफ आर्ट क्या है ये बताना था। इसके अलावा डिफाइन आर्किटेक्चर एंड राइट इट्स कंपोनेंट, आर्किटेक्चर को डिफाइन करना था, उसके कंपोनेंट जो है वो लिखने थे। इसके अलावा क्या है कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, इन दोनों डिज़ाइन को जो है वो डिफरेंशिएट करना था, इनके दरमियान फ़र्क बताना था। इसके अलावा ये कि डिफरेंशिएट करना था आर्ट ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जो आर्ट ऑफ मॉडर्निज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना था, इन दोनों के दरमियान भी फ़र्क बताना था। फ्यूचरिज्म के हवाले से क्वेश्चन था, फोटोग्राफी फाइव सोर्सेस इसके बारे में था, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन इस बारे में क्वेश्चन, इसके अलावा टू सोर्सेज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो टू सोर्सेज है दो प्रोसेसेस के बारे में, इसके अलावा बैरेट प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चन था और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में था। और इसके बाद ये कि व्हाट इज मोटिव, इसके हवाले से भी क्वेश्चन था और डिफरेंस था प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में। और राइट द नेम ऑफ एनी थ्री मटेरियल यूज इन म्यूरल, नाम लिखने थे यहाँ पर तीन। और उसके अलावा राइट थ्री पॉइंट्स इन पॉप आर्ट, पॉप आर्ट के जो है वो इसके थ्री पॉइंट्स लिखने थे और एक्सप्लेन करना था इम्प्रेशनिज्म को। और राइट टू क्वालिटीज ऑफ रोकोको, रोकोको की टू क्वालिटीज़, और व्हाट इज़ पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, और व्हाट इज़ म्यूरल ये क्या है, और क्लासिसिज्म को के बारे में क्वेश्चन और न्यू क्लासिसिज्म के बारे में था। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रिदम एंड मोटिव, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे और आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।